चलते चलते जब वो नेक्स्ट कंपार्टमेंट में पहुंची तो एक औरत ऐसे बैठी हुई है। प्रियंका जाके उस औरत के सामने बैठ जाती है, पर ट्रेन का पावर कट हो गया था तो इसीलिए उसको उस औरत की चेहरा बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और वो औरत हिल भी नहीं रही थी। और वो औरत अपने बच्चे को लेके चलती हुई ट्रेन से कूद गई। हेलो इनिस फैम, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेके। और आज की जो हॉरर स्टोरी है वो आप ही में से एक, मतलब मेरे एनएस फैम में से एक जन ने शेयर किया है मेरे साथ, तो उनका नाम है प्रियंका। तो थैंक यू प्रियंका फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। तो आज मैं आपसे जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो है एक हॉन्टेड ट्रेन की। गाइस, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, जब ना मैं बहुत रात को ट्रेन से ट्रैवल करके जाती हूँ अकेले या फिर किसी के साथ भी, एकदम लास्ट टाइम में जब स्टेशन बिल्कुल एकदम खाली खाली सा होता है, रात को जब ट्रेन खाली खाली सा होता है ना, तब बहुत ज़्यादा ही डर लगता है ट्रेन में बैठने से। इवन जब आप रात को एक खाली ट्रेन में अकेले बैठ के जाते हो ना, और जब आप विंडो से बाहर देखते हो, वो अंधेरे को देखते हो, तब तो मैं आई एम श्योर कि आप में से अगर किसी ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, आपको डर तो ज़रूर लगा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये स्टोरी 2018 की है। उस टाइम पे प्रियंका बैंगलोर की एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। उस कॉल सेंटर में उसको काफी रात तक जाग के काम करना पड़ता था। ऑफिस से निकलते निकलते प्रियंका को बहुत लेट हो जाता था, ऑलमोस्ट 11 बज जाता था रात की, और उसे बहुत जल्दी जल्दी स्टेशन जाना पड़ता था क्योंकि जो लास्ट ट्रेन होता है वो भी 11:30 से 12 के बीच में चला जाता था, और अगर प्रियंका उस ट्रेन को मिस कर देती तो वो रात को घर वापस ही नहीं जा पाती। एक दिन प्रियंका को ऑफिस से निकलते निकलते थोड़ा ज्यादा लेट हो गया, ऑलमोस्ट रात के 12 बज गए थे। प्रियंका बहुत ज्यादा घबरा गई और वो सोच रही थी कि शायद लास्ट ट्रेन भी मिस हो जाएगा, उसे शायद पूरी रात ऑफिस में गुजारना पड़ेगा, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी जल्दी भाग के स्टेशन की तरफ जाती है। और स्टेशन तक जाने के लिए उसे ऑटो पकड़ना पड़ता था, और उस दिन लकीली उसे ऑफिस से निकलते ही ऑटो भी मिल गया था। ऑफिस से निकलने के लगभग 15 मिनट बाद प्रियंका प्लेटफॉर्म में पहुंची। वो बहुत ज्यादा जल्दी में थी, पर जब वो प्लेटफॉर्म में पहुंची तब उसने देखा कि प्लेटफॉर्म एकदम खाली नहीं है, मतलब कुछ कुछ लोग वहां पे तभी भी हैं, बाकी जगह से तो जरूर खाली है बट फिर भी 2-3 लोग वहां पे थे प्रियंका के अलावा भी। और वो स्टेशन में पहुंचने के 2-3 मिनट के अंदर ही उसका ट्रेन भी आ गया। प्रियंका ने सोचा कि किसी कारण से जो लास्ट ट्रेन होता है वो थोड़ा डिले हो चुका था, इसीलिए इतनी रात को भी ट्रेन आया है। और ऐसा कभी कभी होता भी है, जब भी रेलवे की पटरी पे कोई काम होता है या फिर कुछ रीजन की वजह से होता है ऐसा। तो ऐसा सोच के प्रियंका जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाती है, और ट्रेन में चढ़ने के बाद वो देखती है कि ट्रेन बहुत ज्यादा खाली था उस दिन। प्रियंका पूरा दिन काम करते करते बहुत ज्यादा थक गई थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्रियंका विंडो सीट पे बैठी थी और खिड़की से बहुत ही ठंडा हवा आ रहा था, और इसके चलते थोड़ी ही देर में प्रियंका ट्रेन में सो गई। कुछ देर बाद अचानक ही प्रियंका की नींद खुल जाती है, और जब उसने आंखें खोला तब उसने देखा कि जिस कंपार्टमेंट में वो बैठी थी वो कंपार्टमेंट पूरी तरह से खाली हो चुका था। प्रियंका तो बहुत ज़्यादा घबरा गई, उसने सोचा कि सारे लोग उतर गए तो शायद मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, और वो सीट से उठ के ट्रेन के दरवाजे की तरफ जाने ही वाली थी, और तभी अचानक ट्रेन में पावर कट हो गया, मतलब ट्रेन की लाइट चली गई। उस कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं था प्रियंका को छोड़ के, प्रियंका पूरी तरह से अकेली थी, और वो कंपार्टमेंट अचानक से पूरी तरह से अंधेरा हो गया। प्रियंका बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, और प्रियंका ने तुरंत अपने घर पे उसके पापा को कॉल किया। उसके पापा ने सब कुछ सुना और उन्होंने उसे बोला कि बेटा आप घबराओ मत, जो भी नेक्स्ट स्टेशन आपको दिखे आप वहीं पे उतर जाओ, फिर उतर के बोलो कि आप कौन से स्टेशन पे हो, मैं किसी को भेज दूंगा या मैं खुद जाके आपको लेके आऊँगा। तो तब प्रियंका को थोड़ी सी शांति मिली। प्रियंका हर रोज ट्रेन से ट्रैवल करती है, तो इसलिए उसको पता है कि हर 10 मिनट में एक नया स्टेशन आ ही जाता है, नया प्लेटफॉर्म आ ही जाता है, तो इसलिए वो ज़्यादा घबराई नहीं, और उसने सोचा कि उसका जो कंपार्टमेंट है ट्रेन का उससे बाहर निकल के वो शायद दूसरे कंपार्टमेंट में जाएगी, तो शायद उसे कोई ना कोई पैसेंजर तो दिखेगा। ऐसा सोच के ही प्रियंका चलना शुरू करती है।
और वो अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट चला के चलते हुए जा रही थी। चलते चलते जब वो नेक्स्ट कंपार्टमेंट में पहुंची, तब उसकी जान पे जान आई, क्योंकि उसने देखा कि एक औरत पीछे घूम के, मतलब जैसे वो पीछे से जा रही थी ना, तो उसे चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो एक औरत ऐसे बैठी हुई है चुपचाप, कुछ भी बात नहीं कर रही है, कोई भी बात नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रियंका तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि कोई तो है जो प्रियंका के साथ में ट्रैवल कर रही है, और ऐसा सोच के ही प्रियंका जाके उस औरत के सामने बैठ जाती है। पर ट्रेन का पावर कट हो गया था, तो इसीलिए उसको उस औरत की चेहरा बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर ये तो पता चल रहा था कि उस औरत की गोदी में या तो कोई बच्चा है, या फिर उसने कुछ पकड़ के रखा है जो एक बच्चे जैसा लग रहा है अंधेरे में। तो प्रियंका ने नॉर्मली उस औरत से पूछा कि आप कौन से स्टेशन में उतरोगे, पर उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो प्रियंका को थोड़ा सा अजीब लगा कि वो औरत जवाब क्यों नहीं दे रही है, पर फिर प्रियंका ने सोचा कि थोड़ी देर पहले तो मैं भी सो गई थी, ट्रेन में थोड़ा बोर होते होते कोई कोई सो जाता है, तो शायद ये औरत भी सो गई है, तो इसलिए प्रियंका अपने फोन में बिजी हो गई थी। कुछ देर बाद प्रियंका को ऐसा लगने लगा कि वो बहुत टाइम से ट्रेन में है, पर अगला स्टेशन आ ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो प्रियंका को समझ में आ ही नहीं रहा था। तो उसने फिर से सोचा कि वो उस औरत को एक बार बुलाए। फिर से प्रियंका थोड़ा सा जोर से उस औरत को बुलाती है कि दीदी आप कौन से स्टेशन में उतरोगे, फिर भी वो औरत एक भी जवाब नहीं देती है, और वो औरत हिल भी नहीं रही थी। आप सोचो, एक अंधेरा ट्रेन, पूरे ट्रेन में कोई भी नहीं है, सिर्फ प्रियंका और वो औरत जिसके गोद में एक बच्चा है, और वो औरत कोई भी बात नहीं कर रही है, प्रियंका का बुलाने का भी जवाब नहीं दे रही है। उस टाइम पे प्रियंका बहुत डर गई थी, मुझे तो बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे गाइस। मैं बस सोच रही हूँ कि अगर उस जगह पे प्रियंका की जगह मैं होती, मैं तो यार, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाता। तो जब प्रियंका ने ज़ोर से उस लड़की को, औरत को बुलाया, उस औरत ने तो कुछ नहीं बोला, पर उसके गोद पे जो बच्चा था वो ज़ोर से रोने लग गया। और तभी प्रियंका को पता चला कि गोद में कोई चीज़ नहीं थी, एक बच्चा ही था। वो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, जैसे कि भूख के मारे रो रहा हो, पर फिर भी वो औरत चुपचाप बच्चे को गोद में लेके बैठी रही। वो औरत बच्चे की तरफ ऐसे देख भी नहीं रही थी, बच्चे को हिला भी नहीं रही थी, एक बात भी नहीं कर रही थी, एकदम चुपचाप वो औरत वहीं पे बैठी हुई थी। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर गई, उसने फिर से अपने पापा को कॉल किया डर के मारे, पर वो उस औरत के बारे में बिल्कुल भी कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि वो औरत प्रियंका के एकदम सामने ही बैठी थी। प्रियंका जो भी बोलेगी वो उस औरत को सुनाई देगा। तो प्रियंका धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाने लगती है अपनी सीट से उठ के। दरवाजे में जाने के थोड़ी देर बाद ट्रेन धीरे धीरे स्लो होने लगा। प्रियंका की जान में जान आई कि फाइनली एक स्टेशन आ रहा है नज़दीक, और थोड़ी देर बाद स्टेशन आ भी गया, पर फिर भी ट्रेन की पावर सप्लाई तब भी बंद थी, ट्रेन बिल्कुल अंधेरा था। तो प्रियंका अपने स्टेशन पे उतर जाती है। स्टेशन पे कोई भी आदमी नहीं था, एक दो बेगर लोग थे जो स्टेशन पे ही सोते हैं, तो वो लोग स्टेशन पे सो रहे थे, एकदम आराम की नींद सो रहे थे, तो वो लोग भी बात करने लायक कंडीशन में तो थे नहीं। तो प्रियंका स्टेशन में उतरती है, और थोड़ी देर बाद ट्रेन फिर से चलना स्टार्ट हो जाता है, और प्रियंका पता नहीं क्यों उस जगह से हिल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कुछ तो है जो उसे ट्रेन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वो जब ट्रेन की तरफ देखती रही, तब उसने देखा कि ट्रेन चलना स्टार्ट हो गया है, और वो औरत अपने बच्चे को लेके चलती हुई ट्रेन से कूद गई। प्रियंका तो बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। मैं समझ पा रही हूँ कि अगर कोई ऐसा सच में सीन देखे तो उसे कितना ज़्यादा डर लगेगा। प्रियंका ने सोचा कि शायद उस औरत ने वही वाली स्टेशन पे सुसाइड किया होगा, या फिर कुछ हुआ होगा। तो प्रियंका बहुत ही ज़्यादा डरते डरते घर चली गई, अपने पापा को उसने उसी स्टेशन पे बुला लिया, और जल्दी से वो घर चली गई। नेक्स्ट दिन जब प्रियंका ऑफिस पहुंची, तब उसने सुना अपने फ्रेंड्स लोगों से कि उसके ऑफिस का जो स्टेशन है ना, उससे जो पहला वाला स्टेशन है, वहाँ पे उसी दिन रात को वो औरत अपने बच्चे को लेके सुसाइड किया था, ना कि प्रियंका के घर वाली स्टेशन पे। उसका मतलब क्या है कि
कि प्रियंका जिस औरत के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी वो उस वक्त जिंदा नहीं थी, वो उस वक्त मर चुकी थी। मतलब प्रियंका किसी औरत की और उस बच्चे की आत्मा के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, पर फिर भी वो सही सलामत घर पहुंची, यही बहुत बड़ी बात है। मैं जब ये स्टोरी पढ़ रही थी ना तब भी मुझे गूज़बम्स आ रहे थे गाइज, अभी बोल रही हूँ अब भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। आई जस्ट विश कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो, किसी को भी ऐसा कुछ फेस ना करना पड़े। गाइज अगर आप भी आपकी कोई रियल लाइफ स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो देन मुझे प्लीज़ आप मेल करो, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट्स में बहुत सारे लोग स्टोरीज भेजते हैं बट यार इतने सारे कमेंट्स होते हैं ना मैं इतना पढ़ नहीं पाती, आप मेल करो मैं ज़रूर आपकी स्टोरी भी पढ़ूंगी। तो यार आज का स्टोरी इतना ही रखते हैं, आपको ये स्टोरी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताओ, किस किस को गूज़बम्स आए मुझे सच्ची बताओ, और ट्रेन में ट्रैवल करते करते रात को कौन कौन डरता है वो भी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।